नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2019 स्कॉर्पियो लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस्तेमाल करता हूं वर्ड लग्न, एसेंडेंट वर्ड यूज किया है मैंने। अधिकतर प्रेडिक्शंस में अगर जो आप लग्न से जाते हैं, आपका पहला भाव देखिएगा, लग्न कुंडली लिखा होगा और यहाँ 8 लिखा है तो ही ये वीडियो देखिएगा, ज़्यादा एप्लीकेबल होगा आपके लिए। अभी इसको वीडियो को पहले समझने के लिए देखिए, ये वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न को समझने के लिए, वृश्चिक राशि में क्या इम्पैक्ट है इस बार। देखिए, इस बार ट्रांजिट में गुरु एक घर पीछे जा रहे हैं, मैंने माइनस लिखा है। सूर्य, बुध और शुक्र एक घर आगे जा रहे हैं पूरे महीने में, सूर्य एक घर आगे जा रहा है। बाकी देखिए, मंगल आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, मंगल सेवेंथ हाउस में है, हैप्पी मैरिज लाइफ देगा आपका, मैरिज लाइफ का, स्पाउस का दादागिरी, यानी कि स्पाउस मतलब मैरिज लाइफ के पार्टनर का, अगर आप औरत है तो पति स्पाउस होता है और अगर आप पति है तो पत्नी आपके स्पाउस होते हैं। तो मैरिज लाइफ का पार्टनर ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, कभी कभार गुस्से का दर्शन करवाएगा, बट वाइफ के साथ आपका पैचअप में, समझदारी में, मैरिज लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम रहेगा और वही एक काम धंधे के लिए भी रहेगा। देखिए, गुरु धनस्थान में आया हुआ, गुरु आपको इनकम के नए सोर्स खड़े करके देगा। ये 29 मार्च से 23 अप्रैल के दौरान ये चांस मिलेगा आपको, काम धंधे के स्थान में धनस्थान में आया हुआ गुरु। ऐसे तो देखिए, विवाह के लिए उत्तम समय चल रहा है आपके, और वो 10 अभी देखिए बाद में गुरु वक्री हो जाएगा, गुरु रेट्रो रहेगा 11 अगस्त तक, बाद में 10 अप्रैल से 11 अगस्त तक वक्री रहेगा। जो भी आपको स्कॉर्पियंस को रिस्क लेना है 29 मार्च से, अपने प्रोफेशन का काम करने में, जो भी बिजनेस का प्लान कर रहे हैं 29 मार्च से 10 अप्रैल में ले सकते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा, मैंने बोला ऐसा। देखिए, गुरु खाली पीछे हट रहे हैं थोड़ा, 23 अप्रैल को गुरु पीछे यानी कि आपके लग्न में आ जाएगा, ये आपके लिए वो लग्न में 4 नवंबर तक रहेगा और 11 अगस्त तक गुरु रेट्रो रहेगा, यानी कि लग्न में गुरु की नेगेटिविटियाँ, गुरु कमज़ोर हो जाएगा, गुरु को बल देना जरूरी रहेगा। आपको स्कॉर्पियन लग्न वाले को गुरु का मंत्र नहीं करे, स्टोन पहन सकते हैं आप गुरु के कोई भी। देखिए, आप जब नहाते हैं तो पीले कलर का थोड़ा सा हल्दी पीली होती, थोड़ी हल्दी डाल दो पानी में नहाते हैं तभी, उससे एक चम्मच की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, गुरु का बल बढ़ाते रहिएगा। लग्न में गुरु धनस्थान में, अभी 23 अप्रैल तक तो देखिए धनस्थान में गुरु आपके है ही, 23 अप्रैल से गुरु बदल के आपके लग्न में आ रहा है। शुक्र बुध जैसा ग्रह आपके चतुर्थान में है, ये मन को एक प्रकार की शांति देगा। बुध 11 अप्रैल को चेंज होकर आपके फिफ्थ हाउस में जा रहा है, नीच राशि का बुध हो रहा है, सूर्य के साथ है, बच्चों के साथ, देखिए बच्चों के साथ का विचारों में 11 अप्रैल से 2 मई तक बुध मीन राशि में रहेगा। आपके बच्चों के साथ विवाद में नहीं पड़िएगा। सूर्य जैसा ग्रह आपके संतान स्थान में आया हुआ है, संतान ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा ईगोस्टिक होते हुए दिखाई देंगे आपको, ये उसका रिजल्ट मिलेगा। शुक्र चतुर्थ में है आपके, 16 अप्रैल को शुक्र बदल के आपके फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं, तो शुक्र फिफ्थ हाउस में आने से फिर से बच्चों के मामले में देखिए तुरंत ही 4-5 दिन में शुक्र की मेहरबानी भी बच्चों के स्थान में हो रही है और उच्च का शुक्र हो रहा है। संतान स्थान में प्रतिभाशाली सूर्य ऑलरेडी है, सूर्य भी 14 तारीख के आजू बाजू राशि बदलते हैं, 14 अप्रैल को सूर्य भी आगे चले जाएंगे, तो ये माइंड में रखिएगा कि सूर्य है अभी संतान स्थान में तो बच्चों से विवाद में ना उतरे, मैरिज लाइफ के स्पाउस से भी झंझट करने में फायदा नहीं है, आप उसको समझ सकेंगे। देखिए, मंगल है और लग्नेश है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। 8th हाउस का राहु, धोखा, सबसे धोखा देने वाला ग्रह आपके 8th हाउस में राहु है, ये ध्यान में रखिएगा। और मैं नेगेटिव डेज इसमें रिमार्क करके बताता हूँ आपको, ये चंद्र का, मेरा रोज का जो अंदाजन 2.25 दिन में चंद्र बदलते हैं उसके डेटा है, तो प्रेडिक्शंस में जहाँ जहाँ मदद आएगी मैं आपको समझाता हूँ, किस तरह से मैं देखता हूँ, किस तरह से मैं आपको बता पाऊँगा। और ये थोड़ा खगोल की बातें हैं, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉमी की, चंद्र शुक्र की युति 2 अप्रैल को है, तो चंद्र और शुक्र की 2 अप्रैल को युति आपके चतुर्थान में है तो मन को खुशी होगी, और चंद्र शुक्र एक आकर्षण योग निर्माण करता है। देखिए, चतुर्थान में तो खुशियाँ ला के दे देगा आपको, फिफ्थ हाउस में हो तो प्रेम का मामला है, ये मन की खुशियाँ है, घर के अंदर शांति की खुशियाँ है, वो है 5 अप्रैल को। देखिए, अमावस है, अमावस को मैं कर्क लग्न, आपको वृश्चिक लग्न को अशुभ नहीं मानता मैं, क्योंकि एरिस को, मेष और वृश्चिक को केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है अमावस, चंद्र और सूर्य,
इसकी युति या प्रतियुति मैं अशुभ नहीं मानता, उनके लिए शुभ समय है, नॉट नो प्रॉब्लम। चंद्रमंगल का युति युति होती है 9 अप्रैल को, लक्ष्मी योग है, सप्तम स्थान में चंद्रमंगल की युति होगी। ये वृषभ का चंद्र है, चंद्रमंगल की युति है 9 अप्रैल को, ये देखिए 9 अप्रैल वृषभ में चंद्र है, चंद्रमंगल की युति आपके 7th हाउस में, पब्लिक हाउस के लिए भी फायदेमंद रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए भी फायदेमंद रहेगा। देखिए गुरु का मैं बोल चुका हूँ आपको, स्तंभी कोई भी ग्रह, देखिए 10 अप्रैल को गुरु स्तंभी हो रहे हैं, यानी कि पहले आगे जाता हुआ ग्रह रुक जाता है, वहीं स्तंभी हो जाता है, रुक जाना, स्तंभ मतलब स्तंभ ना मतलब रुक जाना, स्तंभी, और फिर पीछे हटता हुआ दिखाई देता। तो गुरु 10 अप्रैल से आपकी कुंडली में रेट्रो, आपके नहीं स्काई में ही रेट्रो हो रहे हैं। शुक्र बुध की युति है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को देखिए शुक्र का है, 16 अप्रैल को चेंज हो रहा है मीन राशि में, और 17 अप्रैल को शुक्र बुध की युति है। तो मैंने बोला आपके 17 साल में शुक्र बुध की युति भी अच्छा रिजल्ट देगी। उच्च के शुक्र के साथ नीच का बुध है, तो वो निजभंग राजयोग का इफेक्ट हुआ है उसको। शुक्र बुध की युति आपके 17 साल में, 17 का अच्छा तो होगा, ये बात तो ये भी दे रहा है चिंता आपको। 19 अप्रैल को फुल मून पूर्णिमा है, ये भी दिन अच्छा रहेगा। चंद्र गुरु की युति देखिए 23 अप्रैल को है, 23 अप्रैल को देखिएगा गुरु आपका 23 अप्रैल के दिन ही बदल रहे हैं, तो ये आपके लिए पैसे के लिए लाभदायक रहेगा। चंद्र गुरु की युति 23 अप्रैल को फिनेंशियली लाभदायक रहेगा। शनि चंद्र की युति 25 अप्रैल को है, शनि चंद्र की युति देखिए, शनि आपके धनस्थान में है और उसके साथ चंद्र यानी कि कंजूसी, शनि चंद्र की युति कंजूसी देता है, मतलब एक कैलकुलेटिव कैलकुलेशन बहना, जो फ्लो है चंद्र का, फ्लो पर रुकावट आ जाती है, मनी फ्लो पे ज़्यादातर रुकावट आती है, तो इंसान थोड़ा कंजूस किस्म का टाइम काम करता है। और शनि स्तंभी हो रहा है 30 अप्रैल को, ये शनि स्तंभी होने के बाद दिनों तक रेट्रोग्रेड रहेगा, बहुत दिनों तक। शनि पहले स्तंभी होता, कोई भी ग्रह जब भी वक्री होने के पहले का लेवल है उस पर वो एक जगह पर रुका हुआ दिखता है, ना आगे जाता हुआ दिखता है ना पीछे जाता हुआ, फिर धीरे धीरे वो पीछे जाएगा या आगे जाएगा, तो ये शनि स्तंभी होकर फिर रेट्रोग्रेड होगा। ये एक जनरल आइडिया है, ये खगोल की थोड़ी आइडिया है। देखिए 6 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा है और न्यू ईयर है, हमारा हिंदू न्यू ईयर है 6 अप्रैल को। मीन राशि का चंद्र मीन राशि का सूर्य से 12वें स्थान का गुड़ी पाड़वा है न्यू ईयर, और चैत्री नवरात्रि शुरू होती है, ये 14 तारीख तक रहेगा, 6 से 14। जिसका भी शुक्र कुंडली में कमजोर हो चैत्री नवरात्रि उनके लिए फायदेमंद होती है। चैत्री नवरात्रि में छोटी छोटी लड़कियों को देखिए घर पे बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, और वो आपको सारा चीज़ डिटेल्स में, ये वीडियो प्रेडिक्शंस में गड़बड़ होगा। चैत्री नवरात्रि आपकी कुंडली में शुक्र का लाभ लेना है, अगर आपको शुक्र बिगड़ा हुआ है, शुक्र के साथ राहु है, शुक्र के साथ केतु है, तो कुमारी का भोजन करवाइएगा, कुमारिका को गिफ्ट दीजिएगा अपनी लिमिट के हिसाब से। देखिए 19 अप्रैल को हनुमान जयंती, और आप लोग 7.5 के भवंडल में सब फंसे हुए हैं, वृश्चिक वाले सबसे ज़्यादा परेशान है आज। 12 राशि में से कोई अगर मुझे पूछता है कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन है, तो आई विल से कि स्कॉर्पियंस आर वेरी मच फेड अप नाउ, अभी एक बहुत परेशानी से वो चल रहे हैं। और इसके लिए देखिए सुंदरकांड का पाठ करेंगे आप 19 अप्रैल को, लाभदायक है। शनि का जो भी कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी का हनुमानष्टक है, संकट मोचन हनुमानष्टक है, हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा है, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो करिएगा। 19 अप्रैल 2019 को हनुमान जयंती है, हनुमान जी की कृपा रहेगी, शनि कंट्रोल में रहते हैं, दक्षिण पर हनुमान जी और गणेश जी का कंट्रोल है। अगर कोई भी आपको 7.5 जैसे प्रॉब्लम है, तो हनुमान जी की साधना करने से 7.5 में लाभदायक साबित होता है, आप वो ट्राई करिएगा, 100% लाभ होगा। और बाकी के डिटेल्स आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे। अभी देखिए ओवरऑल ये पिक्चर है, इसमें से मैंने गुड डेज और बैड डेज आपके लिए अलग रिमार्क करके रखा है। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल आपके बच्चे के लिए मैंने पहले से इंसिस्ट किया है, देखिए बच्चों के स्थान में, बच्चों से कोई नई आइडिया आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी गुरु आपके फेवर में आ चुका है धनस्थान में। 23 अप्रैल से गुरु वापस रेट्रो हो रहा है, लेकिन तब तक तो वो धनु राशि में है, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा, और आपको नई आइडिया बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा, या अगर आप कोई लड़की वड़की के चक्कर में है, देखिए ये भी टाइम गया 1 अप्रैल से 6 अप्रैल, वो टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र भी धीरे से 16 अप्रैल को आपके लव हाउस में आ रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको इस स्थान में स्कॉर्पियंस को बेनिफिटेड देगा, नई आइडियाज़।
ऑलरेडी आप 7.5 में ज़्यादा काम धंधे में भी रिस्क लेना रिस्की है। अभी 7 अप्रैल से 11 अप्रैल मैंने लिखा है बैड डेज है, ये दिन सच में ही अच्छे नहीं है, टेंशन रहेगा, अपने हेल्थ को थोड़े केयरफुल रहिएगा, झगड़ा झगड़ी का माहौल बनेगा। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल में किसी से उधार पैसा मांगने की भी नौबत आ सकती है। आप बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि 7 अप्रैल से 11 अप्रैल में आपको बीमारी जैसी सिचुएशन हो, उधार पैसे मांगने पड़े। और आपके मैटरनल अंकल से फ़ायदा है, मामा है, मौसी है, उनसे फ़ायदा है। 12 अप्रैल ये इट इज़ एन एक्सपेंसिव डे, 7 अप्रैल से 11 अप्रैल को मैं एक्सपेंसिव डे मानता हूँ, ये बैड डे है आपके लिए। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत जो बढ़िया टाइम, जो मैंने टाइटल दिया बिग चांस एंड हैप्पी मैरिज, तो ये कोई काम धंधे के लिए बड़ा चांस लेके आएगा आपके दरवाजे पे। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल में आपको लगेगा कि आप छा गए चारों तरफ, पब्लिक लाइफ में भी आपको ऐसा कुछ महसूस होगा। और ऐसे भी देखिए, गुरु की कृपा लग्न में और बॉर्डर पे आ ही गई है, तो विवाह के चांसेस भी आपके बन रहे हैं, तो हो सकता है कि देखिए यहाँ के आजू बाजू मैरिज के भी फिक्सेशन के चांसेस बढ़ते हैं। गुरु का स्टोन पहनेंगे तो भी अच्छा है। और 12 अप्रैल से 16 अप्रैल आप सब जगह छा जाएंगे। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल मेरा मानना है कि अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। आप गाड़ी वेड़ी ड्राइव करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। ऑलरेडी आपके 8th हाउस का इफेक्ट मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, राहु ऑलरेडी 8 में है। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल में आपको केयरफुल रहना है। और पर्टिकुलरली देखिए, इट इज़ अ बैड डे, आपके ससुराल के साथ कुछ संबंध ही हो सकता है। देखिए आपका राहु आया है 8th हाउस में और ये 1.5 साल रहेगा। आपके पति या पत्नी के परिवार के लोग, पति या पत्नी के परिवार के लोग ज़्यादा आपसे लुच्चाई करते हुए दिखाई देंगे। कन्नीनेस यानी कि आपसे ऐसा, ये राहु है देखिए आपके ससुराल में भी झगड़ा झगड़ी का माहौल खड़ा कर देगा अष्टम स्थान के राहु के लिए। और लोग बोलते हैं राहु उच्च का है, कभी कमेंट लिख रहे हैं लोग, राक्षस है और उच्च का हो तो क्या होता है, अष्टम में है वो डिस्काउंट दे देगा, राक्षस कैसे डिस्काउंट देगा, आप लॉजिक तो समझिए उसका। ये नियम को ही नहीं मानता अष्टम स्थान में, तो अष्टम स्थान वाला राहु आप लोग बोलते हैं वारसा मिलेगा, ये वो, ये सब अशुभ करेगा। राहु अष्टम स्थान में शुभ नहीं कर सकता, पायल जैसी बीमारी दे सकता है, कुछ और बीमारियां दे सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है तो राहु दे सकता है। और सडनली राहु का कष्ट सामने आएगा। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल अगर जो आपके पास खुद का व्हीकल हो और वह काफ़ी दूर ड्राइव करना है तो ये रिस्क नहीं लीजिएगा। भले शुक्र उच्च का है फिर भी मैं बोलता हूँ, देखिए 16 तारीख से शुक्र उच्च का हो जाता है, फिर भी मैं बोलता हूँ रिस्क नहीं लीजिएगा। 22 अप्रैल से 26 अप्रैल आपका माइंड एकदम आध्यात्मिक की तरफ रुक लेगा, आप आध्यात्मिक होने लग जाएंगे। भाई बहन अगर मैरिड है तो उनके वैवाहिक जीवन में आप कहीं उनसे जुड़ने के नौबत, मतलब उनसे जुड़ने लग जाएंगे। भाई बहनों के साथ कोई हो सकता है कि आध्यात्मिक टूर पे निकल जाए और ये दिन लकी रहेगा। बच्चों से भी कुछ ना कुछ अच्छे न्यूज़ मिलेंगे आपको 22 अप्रैल से 26 अप्रैल। और कोई कहीं से न्यूज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं से किसी खबर की इंतजार में हैं, तो कोई न्यूज़ भी आपको मिल जाएगा, जो पॉजिटिव न्यूज़ की आप कोशिश वेट कर रहे हैं वो न्यूज़। और 27 अप्रैल से 1 मई का टाइम आपके लिए काम धंधे के लिए बढ़िया साबित रहेगा, क्योंकि 27 अप्रैल से 1 मई में आपके कर्मस्थान पे मैं इफेक्ट देख रहा हूँ उसकी। काम धंधे में आपके काम इजीली आप सेटल कर पाएंगे, इतने हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट आप कंप्लीट कर पाएंगे। मैं ज़्यादातर स्कॉर्पियंस को एजुकेशन में देखता हूँ और फाइनेंस के फील्ड में देखता हूँ। फाइनेंस के फील्ड में सी राशि है एजुकेशन के लेवल पे, तो ये सी राशि है, पंचम स्थान की राशि है, तो मैं एजुकेशन के फील्ड में भी स्कॉर्पियंस को देखता हूँ। और गुरु भी अच्छा हुआ है, गुरु की कर्मस्थान पे आस्पेक्ट थोड़े दिन के लिए आ रही है, 10 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक आपके काम धंधे में कोई बहुत बड़ा चांस अवेटेड है। ये मैं ऐसा देख रहा हूँ 29 मार्च से, देखिए ये 29 मार्च से तब तक ही वृश्चिक राशि में ही था गुरु, अभी धनु राशि में आ गया आपका 23 अप्रैल से फिर से वृश्चिक राशि में चला जाएगा। तो ये 23 अप्रैल तक, 29 मार्च से 23 अप्रैल तक आपके काम धंधे में बढ़ाने की कोशिश करो, आपको लाभ होगा। देखिए चंद्र 6, 8, 12 में जब भी आता है तभी मानसिक परेशानी देता है। 6 अप्रैल से 8 अप्रैल मेष का चंद्र है, डेफिनेटली मैंने यहाँ बैड डेज में ही रिमार्क किया हुआ है इसको, 6 तक ठीक है, देखिए 7 और 8 को मैंने बैड डेज में रिमार्क किया है, डेफिनेटली केयरफुल रहिएगा, मानसिक तनाव रहेगा ही आपको। 11 अप्रैल से 12 अप्रैल को भी मैंने बैड डे में रिमार्क किया है, ऑलरेडी 11 अप्रैल तो ठीक है लेकिन 11 अप्रैल ही देखिए, 11 अप्रैल मैंने बैड डे भुला ही है आपको।
और 12 अप्रैल ठीक है, लेकिन बट 11 अप्रैल को ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, आठवां चंद्र है मिथुन का, और 19 से 20 ये 12वां चंद्र है, 19 से 20 12वां चंद्र है अप्रैल का, और 19 और 20 भी मैंने आपको बैड डेज में ही बोला है। डेफिनेटली 19, 20 ये जो 17, 18, 19, 20 और 21 ये 5 दिन अगर आपके पास सचमुच में कोई व्हीकल हो तो उसको ड्राइव दूसरे को दीजिएगा, हो सके उतने तक का तो प्राइवेट कार या प्राइवेट उससे ही बंदोबस्त कीजिएगा। अष्टम में राहु है, केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए, कहीं भी छोटी मोटी घटनाएं होती है उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाकर कोई गड़बड़ नहीं करिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज कहीं भीड़ हो गई और आप वहाँ जाएंगे और वहाँ कुछ और वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं। अष्टम स्थान का राहु अचानक मुसीबतों का कारक है, और मैं 17 अप्रैल से 21 अप्रैल में थोड़ा सा रिस्की स्टेज देखता हूँ, थोड़े केयरफुल रहिएगा। मैंने बोला आपके 19 अप्रैल को हनुमान जयंती का दिन है, आप उसका लाभ लीजिएगा। 6 अप्रैल से गुड़ी पाड़वा से चैत्री नवरात्रि शुरू होती है, 14 अप्रैल तक रहेगी 9 दिन के लिए। दो माता जी की पूजा जिसकी कुंडली में राहु है चंद्र के साथ, राहु है शुक्र के साथ, बर्थ चार्ट में गड़बड़ है और वो उनको कन्या भोजन से लाभ होता है, कन्या पूजन से लाभ होता है, तो कन्या भोजन कराइएगा। ये 9 दिन का टाइम है, देखिए श्रद्धा से करिएगा, और इसकी सारी छोटी मोटी विधियाँ आपको यूट्यूब से इजीली मिल जाएगी। ये वीडियो सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करने की ज़रूरत मैं कम समझ रहा हूँ। ये है आपका महीने का पूरा लेखा जोखा, और ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बेसिकली देखिएगा ये डेट्स ज़्यादा दिमाग में रखिएगा जो मैंने बताया है आपको, इट इज़ अ पर्टिकुलरली दिस डेट्स आर वर्किंग मोर शार्पली, काम करती है ये डेट्स। और अगर जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।